नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के यमुना नगर में श्री गणेश इंटरटेनमेंट सोसाइटी द्वारा मोहम्मद रफी नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न गीतकारों ने मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत गाए, जिसके चलते लोग लगातार कई घंटों तक इस कार्यक्रम में बने रहे। अपने संबोधन में फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि वह इंसान नहीं फरिश्ते थे, आसमानी आवाज से लोगों के दिल दिमाग में रस घोलते थे। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि उनके साथ गीत उन्होंने गाए। उन्होंने कहा कि अपने जीते जी उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ऐसा कलाकार ना कभी आया है ना कभी आएगा। उन्होंने कहा कि आज 44 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए। जिस दिन उन्हें दफनाया गया था उस दिन आसमान से भारी बारिश हुई, जैसे आसमान भी रो रहा था। यमुना नगर में आए हैं, क्या कार्यक्रम था और कैसा लगा? दीपाली सर की ट्रॉफी मिल रही, प्लीज ले 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 ले। ये रफी साहब की 44th डेथ एनिवर्सरी थी और पंकज अरोरा जी ने बहुत ही एक अच्छे म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें रफ़ी साहब के गाने सुनाए गए, रफ़ी साहब को याद किया गया। वो तो एक ऐसा लाफानी कलाकार है जो इस दुनिया में होकर भी ना होकर भी अमर है। तो और मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा भगत हूँ, इसलिए मैं आया, पंकज अरोरा जी के नियुक्ति पर आया मैं। तो बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, बड़े अच्छे गाने सुनाए गए रफ़ी साहब के, और ये एक यादगार लम्हा था। तो मैं ये कहूँगा कि हम हमेशा उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो उनका जन्मदिन है 24 दिसंबर को, उस दिन भी कार्यक्रम होने चाहिए। पैदाइश जो है वो खुशी का दिन होता है, और डेथ एनिवर्सरी जो है वो उसमें थोड़ा रंज है, थोड़ा दुख है। तो अगर प्रोग्राम रफ़ी साहब की याद में अगर उनकी पैदाइश के दिन भी हो तो बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगा, आप लंबे समय से फिल्मी दुनिया में हैं, आज का दौर और पुराना दौर उसमें कितना अंतर मानते हैं और क्या कारण रहा इसका? नहीं, अंतर तो बहुत है और कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं जो पहले नहीं थी। पहले इतना अनुशासन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, पहले लोगों की जिंदगियों में उनकी बायोपिक्स नहीं बनती थी, जैसे मिल्खा सिंह की बनी, जैसे अदरुद्दीन की बनी, जैसे सचिन तेंदुलकर की बनी, मैरी कॉम की बनी, मिल्खा सिंह की बनी, पहले नहीं बनती थी। ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है, और जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं एक डिसिप्लिन आया है। पहले हीरो ही सब कुछ होता था, अपनी मर्जी से वो कास्टिंग करता था, अपनी मर्जी से वो म्यूजिक डायरेक्टर लेता था। आज ऐसा नहीं है, आज हर आदमी जो है अपना काम कर रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम कर रहा है, स्क्रिप्ट राइटर अपना काम कर रहा है, हीरो अपना काम कर रहा है, और प्रोडक्शन हाउसेज अपना काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी तब्दीली आई। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे चल के बागडोर जो है देश की, उन्हीं को संभालनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जो हमारे युवा हैं वो आगे चल के इस देश को संभालेंगे, इस देश को निखारेंगे, इस देश को संवारेंगे और एक तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। यही मेरी दुआ है और यही मेरी विनंती है नई पीढ़ी से कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के, क्योंकि ये 75th हमारी वो है इंडिपेंडेंस डे है, 75 साल हो गए हैं। आगे चल के तो ये नई पीढ़ी ही जो है ये संभालेगी। तो मैं यही कहूँगा, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल। थैंक यू।